बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है, तो फ्रेश होके मिलता हूँ आपसे। तो जैसे कि मैंने आपसे अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि मैं आने वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा मैंने अपने पुराने चैनल को क्यों बंद किया और इस नए चैनल को क्यों स्टार्ट किया, तो बात कुछ ऐसी है। मैंने अब तक के एक चीज़ सीखी है, अगर कोई चीज़ आपको हार्म कर रही हो या आपकी पर्सनल लाइफ को हिट कर रही हो तो उसे वहीं क्विट कर दो, बंद कर दो उसे। तो कोई कोई चीज़ एक्चुअली ऐसी होती है जो मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ से मतलब गुजर नहीं जाओगे तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। तो ऐसे ही समझो, तो ये चीज़ मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करूँ, लेकिन मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ आपको। जैसे कि मैंने अपना व्लॉग नया चैनल जब स्टार्ट किया था तो कुछ टाइम तक तो ठीक था, बट धीरे धीरे वो चैनल कुछ अलग ट्रैक पे, कुछ अलग ही सीन चल रहा था। मतलब कोई व्लॉग, एक व्लॉग बना रहा हूँ तो वो व्लॉग अपलोड नहीं किया कि दूसरे व्लॉग, अभी दूसरा कैसा बनाना है व्लॉग, कौन सा कंटेंट, क्या बोलना है, क्या डालना है, फिर वो दूसरा व्लॉग अपलोड नहीं किया कि तीसरा व्लॉग, अभी तीसरा व्लॉग कैसा बनाना है। तो ये सारी चीज़ चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब अपना खुद का चैनल नहीं चला रहा हूँ, या मतलब ये कोई मैं जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप। तो ये चीज़ थी, क्योंकि YouTube तो मेरी हॉबी है, जॉब तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, अब दो दो जॉब नहीं चाहिए मुझे। अगर इंसान दो जॉब करेगा तो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, अपनी पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करेगा, है ना। तो ये चीज़ इसीलिए मैंने अपने चैनल को बंद किया। और एक फेलो यूट्यूबर है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने एक वीडियो बनाया था उनके चैनल पे, 3 लॉज ऑफ व्लॉग्स, तो उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई थी, तब जाके मुझे समझ आया, और ये चीज़ उन्होंने भी की है। तो फिर मैंने भी अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ रूल्स एंड कुछ कंडीशंस अपने आप पे अप्लाई कर दिए थे, और मैंने अपने मन में ही अपने आप से बोला था कि ये चीज़ मुझे फॉलो करनी है तो करनी है। पहली चीज़, यूट्यूब के वजह से मेरी पर्सनल लाइफ हिट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जब मैं खुश रहूँगा और जब मुझे लगेगा मेरे मन को व्लॉग करना है तो व्लॉग करूँगा, भले से वो मैं डेली व्लॉग करूँ, मुझे लग रहा है डेली व्लॉग करना है तो मैं डेली व्लॉग करूँगा, अगर मुझे लग रहा है डेली व्लॉग हफ्ते में एक बार व्लॉग करना चाहिए, हफ्ते में एक बार करूँगा, महीने में एक बार करना है तो महीने में एक बार, कि जो भी करना है खुशी से करना है, बोझ मन में बोझ रख के, खुद पे बोझ रख के नहीं करना है, वो मतलब नहीं है काम करके। तो ज़्यादा बोर नहीं करता, ऑलरेडी मैंने बहुत पका दिया है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय, टेक केयर, बाय बाय।